मेम साहब फ्रिज में रसगुल्ले रखे हैं, दो चार पीस खा लें क्या? खबरदार, अगर रसगुल्ले को हाथ भी लगाया तो। मैंने सारे रसगुल्ले गिन के रखे हैं, अगर एक भी कम हुआ ना तो समझ लेना। हमको मालूम था आपने गिन के रसगुल्ले रखे हैं, इसलिए हमने एक भी रसगुल्ला नहीं खाया, केवल चूस के वापस रख दिया। ओ भैया फ्रिज का है आलू, बाहर बड़ी गर्मी है, तनी हमऊ के अंदर ले लो, अंदर जगह नहीं है, सामान ठूसा पड़ा है। अरे देख ला भैया, कहीं एडजस्ट कहिला? अरे कहाँ से एडजस्ट कर ली, जोन सामान किचन में रखे के चाहे वो फ्रिज में भरा पड़ा है, नमकीन बिस्कुट सूजी मैदा बेसन पापड़ सब तो फ्रिज में भरा पड़ा है। अरे भैया ये कुल सामान किचन में रखे से चीटी लग जाते, यही मारे फ्रिज में रख दिया जाता है। अच्छा तो ये मेहंदी का कौन दवा, इनो बेकिंग पाउडर, खाने वाला सोडा, इनमे कौन सा चीटी लग जाते जोन एक फ्रिज में धई दिया जाता है? भैया ये कुल बाहर पड़े पड़े खराब हुई जाते, यही मारे फ्रिज में धई दिया जाता है। तुम ज्यादा वकील मत बनो, अभी फ्रिज में कल की दाल, परसों की सब्जी, नर्सों का चावल सब भरा पड़ा है, और ये फ्रिज में पड़े पड़े तब तक ही सड़ेगा जब तक आज का दूध रखने की जगह ना कम पड़ जाए। हाँ ये तो गलत बात है भैया, गलत बात है ना, तो अब बताओ हम तुम्हें कहाँ एडजस्ट करें, खोपड़ी पे बैठा ले? खोपड़ी पे ही बैठा लो भैया, अरे खोपड़िया पे भी तो जगह खाली नहीं है, छोटा डब्बा बड़ा डब्बा दवा की पुड़िया क्रीम तेल साबुन कंघी सब तो रखा हुआ है। समझ में नहीं आ रहा है कि हम फ्रिज है अलमारी है या गधा है। आज मैं ऊपर बाकी सब नीचे, आज मैं आगे टमटरा है पीछे। ए, काहे हमको छू रहे हैं जी, हमर मालिक से परमिशन लिए हैं, छोड़िए हमको, छोड़िए कि नहीं छोड़िए। मालिक आए, मालिक आई, देख लीजिए प्याज का छिलका हटा रहा है वजन कम करने के चक्कर में। पहले तेरी आवाज दी है तो हमर मालिक के, और देखे तेरे कोने में बैठ के साला बीड़ी पी रहा है सब्जी वाले के साथ थरकी साला। ए भैया इधर आइए। सुना हमार मालिक भी ना एकदम बहिरा साफ है, आ रहा है। हाँ भैया बोलिए। दो किलो तौलिए था। दो किलो? अरे बाबू रेट पता नहीं है का? कैसे किलो है जी प्याज? 90 रुपए। 90 रुपए आ गया हाथ में। और अभी ना नवरात्रि की पूजा 30 रुपए किलो लेके गए हैं, 10 दिन में तिगुना हो गया दाम। तो 90 रुपए मंडी का रेट है, जाइए ना एक बार न्यूज चैनल पर, 150-200 से कम में नहीं मिलेंगे। हाँ पहले कहा थे, पहले पता रहता तो लेके रख नहीं लेते। मिडिल क्लास वाला सबको तो पहले ही पता चल जाता है, कितना था 10-10, 20-20 किलो खरीद के चौके के नीचे बिछा लिया सब। हाँ अरे भैया कुछ सुना? का भैया? अमेरिका और चाइना में वार हुई गवा। अरे भैया तो कौन बड़ी चीज हो गई, अपने देश में तो रोज वार होत है। रोज वार होत है वो कैसे? अरे भैया आज सोमवार है, कल मंगलवार हो, फिर बुधवार हो, सर्वा सातों दिन वारे वार तो होत है।